मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराब और शराब माफियाओं के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में पूर्णिया पुलिस और सेंट्रल की टीम ने अंतरराज्यीय शराब कारोबारी मुर्शीद आलम को जिंदा कारतूस और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने बताया कि मुर्शीद पर बिहार के विभिन्न थानों में 2 दर्जन से ऊपर शराब तस्करी के केस दर्ज हैं और इसका कारोबार बंगाल से शुरू होकर बिहार के सारण तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि मुर्शीद की गिरफ्तारी से कई बड़े राज खुलेंगे और कई बड़े शराब माफिया आने वाले दिनों में पुलिस के गिरफ्त में होंगे। बता दें कि मुर्शीद आलम न सिर्फ शराब का सिंडिकेट चलाता था बल्कि शराब कारोबार से जुड़े लोगों को बंगाल में पनाह भी देता था, जिसके लिए मोटी रकम उनसे वसूल करता था। वही नकली शराब का कारोबार और स्पिरिट का विक्रेता भी था, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। एक बड़ा शराब माफिया मुर्शीद आलम जो फरसरा दालकोला का रहने वाला था, इसके द्वारा नकली शराब की और जो अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति जो है वो अवैध तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में की जाती थी। इसके ऊपर अभी तक कई केसेस हर एक जिले में दर्ज हैं। लगातार हम लोग की दबिश इसके ऊपर थी। कल 26/11 की संध्या को सूचना मिली कि इसकी गतिविधि दालकोला चेक पोस्ट के आसपास है। हम लोग की टीम ने तत्काल रेड करके इसको गिरफ्तार करा। इसके पास से एक पिस्टल और 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा बताया गया कि बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध शराब की तस्करी इसके द्वारा की जाती थी। इसके द्वारा बहुत लोगों का नाम लिया गया जो विभिन्न जिलों में इसके सहयोगी हैं। हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत इन्फॉर्मेशन इसे इकट्ठा किया है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने के अंदर इस पूरे सिंडिकेट को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। कहाँ से गिरफ्तार है? अभी तत्काल जो मेरे पास बायसी और अगल बगल के जिलों से बात करके 19 केस मेरे पास अभी सूची है जो इसके ऊपर है। अन्य जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं और केसेस की संख्या बढ़ेगी। जो प्राथमिकता इसके ऊपर है जैसा लगता है इसकी संख्या भी बढ़ेगी। ये सब क्या मतलब इंटरस्टेट था कि इंटरनेशनल टाइप का? मुख्य रूप से पिछले 2-3 साल से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे। इसके पूर्व में भी हम लोग के द्वारा कुछ जो अवैध शराब तस्कर थे जिसे विधान नगर से पकड़ के भेजा गया था, लेकिन इसका एक अलग सिंडिकेट चलता था जो कि उन लोगों से बड़ा था। इसकी गिरफ्तारी से पूरी उम्मीद है कि जो वेस्ट बंगाल बॉर्डर का इस्तेमाल होता है शराब तस्करी से, उसमें हम लोग कमी ला पाएंगे। कुछ गोदाम सब भी पहले पकड़ा है इसके द्वारा हम लोग को वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेशन दिया गया है। संबंधित थाना के हम संपर्क में हैं और वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। उस गोदाम को सील करने की कार्रवाई भी हम लोग करवा रहे हैं। ये क्या नकली शराब कभी कारोबार करता था? ये इसकी जो टीम में बाकी मेंबर थे ये स्पिरिट से भी शराब तैयार करते थे और अवैध रूप से जो विदेशी शराब है उसको भी ये लोग बिहार में बेचने का काम करते थे। दोनों काम में ये संयुक्त था। तो बिहार में ये कहाँ कहाँ शराब ये बिहार में इसके द्वारा दरभंगा मधुबनी सारण तक केस दर्ज है इसके ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमें लगता है 12-14 जिले हैं जिसमें इसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है। आधे से ज्यादा बिहार में इसके द्वारा शराब सप्लाई किया जा रहा है। तो ये सर पूर्णिया पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि। पूर्णिया पुलिस ने मद्य निषेध पटना के सहयोग से मद्य निषेध पटना के आसूचना पर काम करते हुए त्वरित कार्रवाई करी है और इसको गिरफ्तार किया है। दालकोला चेक पोस्ट के पास ही हुआ। क्या इनके सिंडिकेट पर किसी और सफेदपोश का भी ये था सिंडिकेट? इसके द्वारा बहुत सूचनाएं दी गई हैं और बहुत सूचना हम लोग के द्वारा भी डेवलप किया जा रहा है। आगे जो कार्रवाई होगी उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। अच्छा, इनकी जो पूरी सिंडिकेट है, जो अन्य सदस्य हैं, गिरोह है, जो शराब माफिया है, उनके इनके द्वारा नाम बताया गया है बहुत लोगों का और हम लोग लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो नाम मीडिया के सामने अभी बताना उचित नहीं है। हम लोग कार्रवाई करके फिर आप लोग को बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।